हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए वगोस, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आप एक पॉज लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, आप थोड़ा सा रुकते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। या मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत श्योर, बहुत सिक्योर, बहुत सेफ होना चाहते हैं अगेन आगे बढ़ने से पहले। जब तक 100% आप श्योर नहीं होते हैं तब तक अगेन आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लेडीज नाइट का कार्ड कहता है कि आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वन के साथ ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ वर्गोस के लिए ये एक तरीका है इस रिलेशनशिप से अपना माइंड डिविएट करने के लिए, अपने आप को किसी लेवल पे बेटर कराने के लिए। तो देखिए, ये एक रीजन मेरे माइंड में आया। मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वन के साथ फन, मजा, मस्ती या तो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रेंडोवेज एंड स्ट्रेंथ के कार्ड्स कहते हैं मन ही मन आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, उनके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, उनके साथ ज्यादा इंटरैक्शंस करना चाहते हैं। और कहीं अंदर से आपको बहुत जबरदस्त एक कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ फाइनली ठीक हो जाएगा, ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इसीलिए देखिए कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे स्नोफ्लेक का कार्ड कहता है आपको ऐसे लगता है कि भाई आपके पार्टनर जैसा कोई और इस दुनिया में नहीं है, या फिर इस रिलेशनशिप जैसा कोई और रिलेशनशिप नहीं है। और इसीलिए देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, जिस गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं वर्गोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइन ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रेस टेंशन भी लेते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो देखिए ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेके आपके पार्टनर अगेन बहुत फिक्र कर रहे हैं, लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड्स के नीचे रॉयल क्राउन का कार्ड है। तो कहीं देखिए रिस्पेक्ट एक इशू हो सकता है, और ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ लोगों के लिए फैमिली रिस्पेक्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ की रिस्पेक्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। फिर से मैं कहूंगी कि रिस्पेक्ट को लेकर कहीं बहुत एक फिक्र, बहुत एक चिंता ओवरऑल, नहीं तो किसी भी चीज के लिए आपके पार्टनर कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में करते हुए दिख रहे हैं।
और देखिए यहाँ पे 7 of Wands रिवर्स एंड बर्थडे के कार्ड्स कहते हैं वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज, कुछ मसले उनके तरफ से रह रहे हैं और कहीं उतना करेजियसली वो चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं और शायद इसीलिए फिर से मैं कहूँगी गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज में यही फर्क है वर्गोस कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड रह रहे हैं, आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से नहीं घबरा रहे हैं और आपके पार्टनर थोड़ा सा घबराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि ऐसा वो नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं 7 of Wands रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो उतना करेजियसली चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बर्थडे का कार्ड कहता है कि शायद यू नो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बर्थडे में या उनके बर्थडे के बाद चीज़ें बेटर हो जाएंगी और वो बर्थडे का वेट कर रहे हैं या राइट टाइम का वेट कर रहे हैं एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। होता है ना जब कुछ मसले इश्यूज चल रहे होते हैं तो दोनों में से किसी का भी बर्थडे आता है तो आप लोग जब एक दूसरे को विश करते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हो सकता है मन ही मन कुछ ऐसा ही उनके माइंड में चल रहा हो। और देखिए यहाँ पर टॉवर एंड क्लोज गेट के कार्ड्स कहते हैं या तो सरफेस लेवल पे बहुत एक उथल पुथल उनके मन में चल रही है, बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को वो सप्रेस कर रहे थे उसको सडनली वो वेंट आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफर कर सकता है, कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए प्यार मोहब्बत हो सकती है जिसको वो सप्रेस कर रहे थे, उसको वो वेंट आउट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जो यू नो सडनली वो वेंट आउट करना चाह रहे हैं या फिर किसी सफोकेटिंग सिचुएशन से सडनली बाहर निकलना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए क्लोज गेट का कार्ड कहता है कि कहीं यू नो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में अगेन आना चाह रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं इसीलिए कहीं एक डिसकंफर्ट, इसीलिए कहीं एक उथल पुथल वो सरफेस लेवल पे भी महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। और अब देखते हैं वर्गोस की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, या इन अनदर वर्ड्स में कह सकती हूँ कि एक कन्फ्यूजन सा रह रहा है, फाइटिंग स्पिरिट कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से मिसिंग दिख रही है। और देखिए आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा मैं कहूँगी कि एनर्जीज मिसिंग दिख रही हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ पे 7 of Wands रिवर्स का कार्ड है। आप तो देखिए बहुत बोल्डली चीज़ों को फेस कर रहे हैं और देखिए कहीं एक डिटैचमेंट भी या तो आप लोग लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है, और लॉजिकली चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी डील करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे पावर का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं, इन अनदर वर्ड्स एक सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा मुझे अगेन आप दोनों या आप दोनों की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए पेज ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स एंड फेट के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ी सी एक इमेच्योर एनर्जीज भी मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में रहते हुए दिख रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो ओवर एक्साइटेड, ओवर एनर्जेटिक, ओवर एंथुजियास्टिक किसी चीज़ के लिए रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये एंथुजियाज्म, ये एक्साइटमेंट ही मिसिंग है क्योंकि देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स रिवर्स है तो इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं दिख रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों ही कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाह रहे हैं लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए फेट का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स पे, किस्मत पे चीज़ों को आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं और आप लोगों को मन ही मन ऐसा लग सकता है कि भाई अगेन किस्मत में अगर होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर किस्मत में नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
एंड एंड अप्रैल के लिए यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड फ्रीडम के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज, किसी तरीके का इनजस्टिस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये एनर्जीज अगेन मैं कहूँगी किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। और देखिए, सबके लिए यहाँ पे भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ वर्गोस को ऐसे लग सकता है कि वो 100% नहीं इस रिलेशनशिप में रहे, कहीं उन्होंने जस्टिस इस रिलेशनशिप को नहीं किया। और कुछ वर्गोस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई उनकी तरफ से कुछ अनफेयर चीज़ें हुई, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है, सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस हो सकती हैं जो इतनी फेवरेबल नहीं हैं। और इसी वजह से अगेन मैं कहूँगी ऐसी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं। और डीपर लेवल के लिए फ्रीडम का कार्ड कहता है कि अगेन एक फ्रीडम आप लोग चाह रहे हैं। और देखिए, ये भी सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ वर्गोज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले चल रहे हैं, फाइनली उससे अपने आप को फ्री करके एक बेटर रिलेशनशिप आप लोग एक दूसरे के साथ चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ही फ्री होके आप लोग अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, ये जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहीं सबके लिए यहाँ पे फ्रीडम डिफर कर सकती है। इन नटशेल देखिए, सरफेस लेवल के लिए एक अनफेयर एनर्जीज आप लोग महसूस कर रहे हैं, और डीपर लेवल के लिए किसी चीज़ से आज़ादी, किसी चीज़ से फ्रीडम आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी वर्गोस आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।